हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोग के सामने ऐसा सब्जेक्ट लेके आई हूँ जो सब्जेक्ट का बहुत सारे लोगों के दिमाग में डर रहता है, एंड वो सब्जेक्ट है M3 Maths 3। देखो, तुम लोग ने भी तुम लोग के आसपास बहुत सारे लोगों से सुना रहेगा कि यार M3 नहीं निकल रहा है, M3 में गोल्डन है, M3 में KT है, कैसे निकालूँ, डर लगता है M3 का, है ना। तो अगर तुम लोग ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिया, मतलब M3 किसी ने प्रॉपरली तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन किया और तुम लोग ने एक्सप्लेनेशन के साथ अगर तुम लोग ने प्रॉपर प्रैक्टिस किया ना, तो M3 बहुत इजीली तुम लोग का निकल सकता है, ठीक है। तो मैं आज M3 का एक टॉपिक तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एंड ये टॉपिक ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है ना इजी भी टॉपिक है और अगर इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब ऐसा नहीं, ये टॉपिक ऐसा इग्नोर टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक ना बहुत सारे लोग करके जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग भी है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। ये एज आई सेड, ये टॉपिक थोड़े से ही फॉर्मूलाज है, एकदम बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉपर तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ये टॉपिक तुम लोग बहुत अच्छे से ये कर सकते हो और तुम लोग पेपर में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो, अगर कुछ क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम मैं सीधा तुम लोग को जंप करवा रही हूँ अभी बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे, ठीक है। तो विल सी, अगर तुम लोग के पास एक फंक्शन है f(t), अभी तुम लोग को फंक्शन पता है ना, फंक्शन तो f(t) से डिनोट करते हैं, f से, ठीक है। तो फंक्शन है f(t), तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे को निकालना है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है पता है मेरे पास, L of f(t), ये डिनोशन है। अगर मेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना, तो L फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर मेरे को किसी फंक्शन का f(t) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ e to the power -st (f(t)dt। अभी ये जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स है ना, वो अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, वरना लिमिट्स में अगर कुछ झोल हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो 0 to ∞ मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट्स जा रहा है, e to the power ई है मेरे फॉर्मूले में, ऊपर माइनस साइन है विथ st, ठीक है। अभी तुम लोग अगर भूल रहे हो तो st बस से याद रखो ना, st बस, हाँ साउंड्स वियर्ड, बट तुम लोग को अगर याद रखना है तो कुछ ना कुछ ट्रिक करके याद रखना पड़ेगा ना, वियर्ड साउंड में कुछ मतलब ठीक है, उतना तो एक्सेप्टेबल है अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद रख के क्लियर होना है तो, है ना। तो ऐसा तुम लोग याद रख सकते हो, 0 to ∞ e के ऊपर माइनस st इंटू f(t)dt, मैंने ऐसे ही याद रखा था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी मैं वापस बता रही हूँ, L of f(t) इज इक्वल टू लिमिट्स फ्रॉम 0 to ∞ e to the power -st f(t)dt, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के ऊपर हम लोग को कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग को सॉल्व करने रहते हैं, और ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में 5 मार्क्स के लिए स्पेशली आते हैं, और वो अपना क्वेश्चन 1 रहता है ना, जो डुबाने वाला क्वेश्चन रहता है कंपलसरी, और उसमें बहुत सारे कुछ ऐसा टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, और लगता है कि यार ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए था, तो वो क्वेश्चन 1 रहता है ना डुबाने वाला, उसमें काफ़ी बार इसमें ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, मतलब 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ये क्वेश्चन में भी आते हैं, लेकिन क्वेश्चन 1 में भी आते हैं, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन एक सम करेंगे, अभी फॉर्मूला तो मैंने बताया, तो अभी फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ वो कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो तो देखना चाहिए ना। तो अभी पहला सम अपन लेते हैं, तो ना अभी ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो पहले ना लाप्लास के क्वेश्चन जो रहते हैं ना, स्पेशली ऐसे वाले, वो ना तुम लोग अच्छे से पढ़ना सीखो, पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो, वरना अगर क्वेश्चन ही गलत पढ़ा ना, तो फिर आगे पूरा फ्लॉप जाता है अपना, है ना। तो अभी देखो, मेरा एक f(t) दिया है, मेरे को एक फंक्शन दिया है, मेरे को पूछा है उसका लाप्लास, ठीक है। बट फंक्शन क्या है वो तो बताती हूँ, अभी फंक्शन क्या है पता है, जब तुम लोग का t 0 से 4 के बीच में है ना, तो मेरे फंक्शन का वैल्यू है t, ठीक है। मतलब व्हेन माय टी इज गोइंग फ्रॉम 0 to 4 f(t) इज t, ठीक है। एंड f(t) इज इक्वल टू 5 फॉर t ग्रेटर देन 4। मतलब अभी क्वेश्चंस कैसे पढ़ने का पता है, पहले देखने का कि क्या है, ठीक है। चलो f(t) दिया है, अभी f(t) है क्या मेरा, चलो दो वैल्यूज है f(t) के, तो मेरा जब t 0 से 4 के बीच में है ना, तब मेरा f(t) है t, और जब मेरा t ग्रेटर देन 4 हो जाता है ना, तब मेरा f(t) का वैल्यू होता है 5, और उस पर मेरे को
उसका निकालना है मेरे को लाप्लास, ठीक है। पहले क्वेश्चंस पढ़ा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद ना ओके ठीक है लाप्लास निकालना है। चलो समझ गया कि मेरे को ये फंक्शन का लाप्लास निकालना है, याद आया वो फॉर्मूला एसटी बस वाला, है ना। तो तुम लोग ने पहले क्या लिखा आंसर में, सीधा पहले फॉर्मूला तो लिखते हैं बिकॉज फॉर्मूला का थोड़ा तो मार्क्स मिलेगा, है ना। अगर आंसर फाइनल गलत भी होता है तो फॉर्मूला का मार्क्स मिलता है ना। तो एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई गोइंग इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई के ऊपर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अभी मेरा फंक्शन है ना, अभी कुछ लोग क्या करते हैं पता है घाई घाई में क्वेश्चन, अभी देखो मैं क्यों बोलती हूँ कि क्वेश्चंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ना खाली इतना ही पार्ट देखते हैं, है ना, और घाई घाई में क्या करते हैं पता है एफ ऑफ टी के जगह पे टी लिख के जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन मारते हैं और कर देते हैं और फिर अच्छा सम आता है फिर भी गलत हो जाता है ना इसके लिए। अभी मेरा ये एफ ऑफ टी है ना वो एक सिंगल फंक्शन नहीं है, ये उसके दो वैल्यूज है एफ ऑफ टी के, है ना, वैल्यूज वो चेंज कर रहा है अपने। तो ऐसा मैं कर नहीं सकती कि एफ ऑफ टी के जगह पे कोई एक वैल्यू डाल के सीधा इंटीग्रेशन मार दिया, ऐसा नहीं कर सकती, है ना। एफ ऑफ टी मेरा दो टाइप के वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। तो अभी अपन अपना मेन चीज चालू होता है, अभी मेरा सम रियल में चालू हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने लिखा e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो अभी अपने को पता है कि 0 टू 4 जब मेरा t है ना तब उसका वैल्यू t है फंक्शन का। तो ये देखो लिमिट्स में मैंने क्या डाला, 0 टू 4 जब मेरा t है तब मेरा एफ ऑफ टी है t बराबर e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू डी टी। ये मैंने क्यों डाला, 0 टू 4 में मेरा एफ ऑफ टी का वैल्यू था t इसके लिए, ओके। और बट मेरा फंक्शन ये लाप्लास के डेफिनेशन में तो 0 टू इन्फिनिटी तक है ना, तो मेरे को बाद का वैल्यू भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ गलत डाल दिया लिमिट्स में तो फिर अपना पूरा पिक्चर ही फ्लॉप हो जाएगा, है ना। तो अभी 0 टू 4 मैंने डाला है, अभी 4 फॉर टी ग्रेटर देन 4, टी ग्रेटर देन 4 मतलब जब मेरा टी 4 टू इन्फिनिटी जा रहा है ना तब मेरे फंक्शन का वैल्यू क्या था, 5 था बराबर। तो मैंने डाला e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 5 इंटू डी टी, ठीक है। ये मेरा हो गया स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप में आके बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भाई ये आया मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाना पड़ेगा इधर, और वो हम लोग तो भूल गए, अभी हम लोग क्या करें, है ना। बट ये भूल के फायदा नहीं है बिकॉज ये काफी सारे लाप्लास के क्वेश्चंस में तुम लोग को वो रूल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले मैं वो रूल तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे याद रखना है उसको। तो अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू, अभी इसमें क्या रहता है पता है, जब तुम लोग इंटीग्रेशन करते हो ना तो प्लस साइन से स्टार्ट करने का और अल्टरनेट प्लस माइनस आता है इसके फॉर्मूले में, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। और फिर इसका ये क्या होता है पता है, यू इंटू वी, ठीक है। तो पहले क्या करने का पता है, पहले यू को कॉन्स्टेंट रखने का और वी वन मतलब क्या पता है, वी का पहली बार इंटीग्रेशन किया वी का, फिर माइनस यू डैश इंटू वी टू, यू डैश मतलब क्या पता है, तुम लोग के यू का डिफरेंशिएशन इंटू वी टू, वी टू मतलब क्या पता है, तुम लोग का वो जो वी है ना उसका सेकेंड इंटीग्रेशन, प्लस यू डबल डैश वी थ्री मतलब यू जो है उसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन, और वी थ्री मतलब वी वाला फंक्शन का तीसरी बार इंटीग्रेशन, माइनस एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। अभी U क्या रखोगे इसमें ना, U को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी मैंने इधर हिंदी में ही लिखा है, वेयर U इज इक्वल टू जिसका डिफरेंशिएशन एक रेंज के बाद खत्म हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो ना, तुम लोग ही सोचो, अगर ये पूरा फॉर्मूला है, अगर U तुम लोग ने ऐसा फंक्शन लिया जिसका डिफरेंशिएशन एक पॉइंट के बाद जाके रुक ही नहीं रहा है, ऐसा अगर तुम लोग ने लिया तो सोचो तुम लोग का ये फॉर्मूला खत्म होएगा कभी, इसमें ही 3 घंटा जाएगा फिर भी तुम लोग का 5 मार्क का सम सॉल्व नहीं होएगा बराबर। इसके लिए तुम लोग का यू जो है ना, यू चूज करना बहुत आईएमपी है, बिकॉज इसके ऊपर ही तो तुम लोग का पूरा इंटीग्रेशन डिपेंडेंट है ना। एंड यू क्या चूज करेंगे हम लोग, जिसका डिफरेंशिएशन एक पॉइंट जाके रुक जाए, जीरो हो जाए, वो हम लोग कंसिडर करेंगे यू। तो अभी ये देखो, इधर आया मेरा क्या था, इधर मेरे को देखो
इधर मेरा ये था बराबर 0 to 4 में मेरे को क्या करना है टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये मेरे को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अभी ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन ही हो गया ना मेरा एक तरीके से। अभी मेरे को यू क्या चूज करना है जिसका डिफ्रेंसिएशन एक पॉइंट बाद जाके खत्म हो जाए। तो देखो तुम लोग के पास दो ऑप्शन है, ई टू द पावर माइनस एस टी को चूज करना है या टी को चूज करना है। वीडियो पॉज करो, थोड़ी देर सोचो और फिर तुम लोग का आंसर याद रखो कि तुम लोग ने क्या सोचा था। अगर तुम लोग ने टी को कंसिडर किया है एज यू, देन यू आर राइट, बिकॉज टी का डिफ्रेंसिएशन एक पॉइंट बाद जाके रुक जाता है। अभी हम लोग ये ऊपर वाला जो गंदा सा फॉर्मूला था ना, वो अपन कैसे अच्छे वे में लगा सकते हैं ना वो देखते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, पहले क्या लिखा यू इंटू वी वन, यू क्या था टी था, उसको कॉन्स्टेंट रखा, वी वन इज इंटीग्रेशन ऑफ वी। तो e टू द पावर माइनस एस टी का पहली बार इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ये e टू द पावर का इंटीग्रेशन याद रखना पड़ता है इसमें, ये लाप्लास का अगर तुम लोग को सॉल्व करना है ना अच्छे से तो, ठीक है। फिर पहले प्लस आया, फिर मैंने क्या बोला था अल्टरनेट आता है इसमें, तो पहले प्लस आया, फिर दूसरा साइन क्या माइनस, माइनस यू डैश इंटू वी टू, मतलब इसका पहली बार डिफ्रेंसिएशन यू का, और वी टू मतलब वी का दूसरी बार इंटीग्रेशन, हाँ यू का डिफ्रेंसिएशन एंड वी का दूसरी बार इंटीग्रेशन। तो टी का पहली बार डिफ्रेंसिएशन क्या है मेरा वन, और ई टू द पावर माइनस एस टी का दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन क्या है, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू, ये जो स्टार का ये किया है ना मैंने इंटू है वो इंटू माइनस एस है ना, ठीक है। चलो अभी ये हुआ, अभी वापस क्या आता है प्लस आके, प्लस यू डबल डैश वी थ्री, मतलब प्लस यू डबल डैश मतलब ये जो यू लिखा था ना उसका डबल डैश मतलब दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन इंटू वी थ्री, मतलब ई टू द पावर माइनस एस टी का तीसरी बार इंटीग्रेशन। अभी तुम लोग देखो इसका तीसरी बार डिफ्रेंसिएशन, इसका सॉरी इसका दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा है यू का, पहली बार तो हुआ वन, दूसरी बार हुआ जीरो। इसके लिए मैं बोल रही थी ना कि यू क्या लेने का जिसका डिफ्रेंसिएशन एक रेंज के बाद जाके खत्म हो जाता है, हो गया ना खत्म, अच्छा है अपने लिए। तो अपना सॉल्व भी हो गया ये इंटीग्रेशन विदाउट एनी टेंशन, है ना। तो मैंने सॉल्व कर लिया, अभी देखो ये सम में भी मैंने ऐसा ही दिया है। देखो टी इन ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, तो पहले टी को कॉन्स्टेंट रखा, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन वन इंटू वी का दूसरी बार इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वेयर। तीसरी बार तो टी मेरा यू मैंने बहुत अच्छे से चूज किया था, इसके लिए जीरो ही हो रहा है, टेंशन ही खत्म, है ना। ये किया और लिमिट्स दिए 0 to 4 बराबर। अभी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to infinity ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 5। अभी 5 देखने के बाद तुम लोग, ये 5 है ना मेरा, एस नहीं है, ये जो है ना ये 5 है, ठीक है। तो अभी 5 देखने के बाद तुम लोग खुश हो जाओगे क्योंकि मेरे को तुम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो रूल अभी एक्सप्लेन किया वो भी नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, ये तो एकदम चिल में हो रहा है तुम लोग का। तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये तो ई का इंटीग्रेशन तो तुम लोग को पता है, लिमिट फ्रॉम 4 to infinity है ना। तो मैं वो लिख रही हूँ 5 ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ये इसमें ना 5 जब आता है ना तुम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी ना तुम लोग को एग्जाम के प्रेशर में कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये 5 है या एस है, और गलती से 5 को एस लेके एस को 5 लेके तुम लोग कन्फ्यूज कर सकते हो, चांसेस है। तो 5 तो उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो 5 ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट्स फ्रॉम 4 to infinity, ठीक है। अभी मेरा ऑलमोस्ट सम खत्म हुआ, मेरे को जस्ट क्या करना है, मेरे को खाली लिमिट्स डालना है, अभी वो लिमिट्स अच्छे से डालने का। अभी तुम लोग को पता है ना लिमिट्स का कैसे होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले मैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो पहले मैं ना अपर लिमिट डालेगी ये सारे सम में, माइनस लोअर लिमिट, ऐसा ही सॉल्व करते हैं ना अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो अभी मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। अभी मैंने अपर लिमिट सब में पुट किया, और इंटीग्रेशन इज व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो
टी के जगह पे अपने को ये पुट करना है। कुछ लोग गलती से क्या करते हैं पता है, एस के जगह पे पुट कर देते हैं, 4 और 0 ये सब वैल्यूज है ना, एस के जगह पे पुट कर देते हैं गलती से, और फिर कंफ्यूज होते हैं कि मेरा गलत क्यों आ रहा है आंसर, है ना। तो ध्यान रखो इधर क्या है, डी टी है ना, डी टी है, इधर जो वेरिएबल है ना उस वो ही पुट करने का, उधर ही पुट करने का अपना अपर और लोअर लिमिट्स, ठीक है। इधर डी टी है, इसके लिए मैं टी के जगह पे ये लिमिट्स पुट कर रही हूँ। हाँ, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अभी अपन पुट करते हैं लिमिट और मस्त मार्क्स मिलेगा अपने को फिर, है ना। तो अभी मैंने डाला 4e-4s/-s, ठीक है, -e-4s/s2, ये हुआ 4 डालने के बाद ये पूरा वैल्यू आ रहा है, अपर लिमिट डन, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में अभी टी के जगह पे 0 डाला तो ये तो सॉल्व करके भी मतलब नहीं है, ये 0 ही आने वाला है, तो मैंने लिखा 0 माइनस 1/s2। 1 क्यों पता है, e-0 है ना, e-0 इज व्हाट, 1, तो इसके लिए 1/s2, ठीक है। अभी मैं इधर इन्फिनिटी डाल, इन्फिनिटी और 4 ये मेरे लिमिट्स हैं, अपर लिमिट इन्फिनिटी, मैं डालना स्टार्ट की, चलो 5e-∞, है ना। अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि e-∞ का वैल्यू क्या है, तो e-∞ ना 0 ही रहता है, ठीक है। उसका भी रीजन है, उसका ना तुम लोग अगर e-माइनस का ग्राफ देखोगे ना, तो जब बहुत मतलब तुम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे ना, तो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से वो चालू होता है, तो मतलब जब माइनस इन्फिनिटी रहता है ना, तब वो 0 को अप्रोच करने लगता है, इसके लिए उसको 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। इतना ग्राफ वाफ का नहीं सोचा ना, तो भी इतना याद रखने का है अपने को, इफ़ वी वॉन्ट टू सॉल्व लाप्लास, देन इतना याद रखने का है कि e-∞ क्या होता है अपना, 0, बस, है ना। तो अभी मैंने इन्फिनिटी मैंने डाला है ना, अभी अपर लिमिट डन, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या मैं 4 डालूंगी, किधर, टी की जगह पे, है ना। तो -5e-4s/-s, ये देखो अभी ऐसा मैंने लिखा है कैसे, अभी इधर घाई घाई में कंफ्यूजन हो सकता है, ये 5 है या ये s है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5e-4s/-s, अभी मेरे को आगे सिंप्लीफाई करना है इसको, अभी आगे सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने ये सारा जो ब्रैकेट्स था वो ओपन किया और ये सारे वैल्यूज लिखे, ठीक है। और अभी मैंने देखा कि मेरे को इधर दोनों साइड पे है e-4s/s, तो भाई मैं कॉमन ले सकती हूँ ना, हाँ ले सकती हूँ, तो e-4s/s 5-4+1/s2 1-e-s, ये 1 क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि ये मैंने कॉमन लिया है ना 1/s2, इसके लिए 1-e-4s, है ना। अभी मैंने सॉल्व किया, 5-4 is 1, तो ये +1/s2 -e-4s/s2, तो ये तुम लोग का मस्त सम अच्छे से सॉल्व हो गया। अभी मैं एक्सप्लेनेशन में बहुत डिटेल में तुम लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, ये एक्सप्लेनेशन लंबा हो रहा है, लेकिन अगर तुम लोग ये सॉल्व करने बैठोगे ना कीपिंग ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड, तो तुम लोग का ये हार्डली 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 5 या 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये यूवी वाला फॉर्मूला है ना, स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक बार तुम लोग के हाथ में ग्रिप आ जाएगा ना, तो तुम लोग बहुत अच्छे से वो फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी ये सम से अपन ने क्या सीखा, हमेशा क्या करने का पता है, M3, जब तुम लोग M3 का डर क्यों लगता है पता है, जो फॉर्मूलाज है ना या जो बातें याद रखनी चाहिए ना, वो अपन रखते नहीं है इसके लिए। तो ना हर सम सॉल्व करने के बाद ना तुम लोग खुद सोचो कि हाँ चलो ये सम मैंने सॉल्व किया, इससे मेरे को क्या सीखने मिला, ठीक है। तो अभी मैंने वो लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सब से अपन को क्या सीखने मिला, पहले तो फॉर्मूला लगाया था, फिर e-∞ का वैल्यू 0 है, ये अपने को सीखना चाहिए ये सम से, ठीक है। फिर ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u∗v, बराबर ये फॉर्मूला, और u क्या लेने का, जिसका डिफ्रेंसिएशन एक रेंज के बाद खत्म हो जाए, ठीक है। तो अभी ये था पहला सवाल अपने लाप्लास का। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी पता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं यही सेम डेफिनेशन के बेसिस पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पूछते हैं, जैसे कि कॉस हुआ, साइन हुआ, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। वो फॉर्मूला भी बहुत इजी है याद रखने को, वो भी मैं बताऊंगी तुम लोग को। तो वो ना
कॉस विथ ई देखा ना तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ठीक है, कि कॉस विथ ई, अरे वो तो गंदा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैं तो भूल गए, हम लोग तो भूल गए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला के साथ मैं वो सम लूंगी। अभी ये पहला सम तुम लोग को याद रखो, इसके बेसिस पे ये फॉर्मूला याद रखो, ये जो मैंने पॉइंट्स सारे बोले ना वो याद रखो, और इसके बेसिस पे जो तुम लोग से अगर सम सॉल्व हो रहे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करने का कोशिश करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्लियर योर मैथ्स 3, है ना। ये वीडियो कैसी लगी मेरे को बताओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।